डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कल से एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स को अलाउ करने का, तो क्या एज ग्रुप रहेगी गर्ल्स की? डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए 2 2021 जो 14 नवंबर को है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा बिकॉज एलिमेंट ऑफ डाउट में चल रहा है। सेंटर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट द फाइट इज ऑन, पिटिशंस फाइल हो रही हैं, आपस में डिबेट्स चल रही हैं। मैं एक चीज जानता हूं कि ट्राई सर्विसेज के चीफ ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब एक चीज से सहमत हैं कि एनडीए 1 2022 जो होगा वो गर्ल्स के लिए होगा, यानी कि एनडीए 1 2022 का जो एग्जाम होगा वो गर्ल्स का होगा, गर्ल्स उस पर पेपर दे सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए 1 2022 में क्या एज ब्रैकेट्स हैं, कब फॉर्म आएगा, कब इम्तिहान होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने गर्ल्स ओनली एनडीए बैच की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है। हमारे ग्वालियर सेंटर, रांची सेंटर, अलाहाबाद सेंटर, देहरादून सेंटर, सब ने गर्ल्स को केटर करना चालू कर दिया है। हमारा ओनली गर्ल्स या गर्ल्स स्पेसिफिक एनडीए बैच बनना स्टार्ट हो गया है। वी विल केटर टू गर्ल्स बैच सेपरेटली। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अलाहाबाद ब्रांच में गर्ल्स का बैच अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए 1 2022 की इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले एनडीए 1 2022 अगर आप टारगेट कर रही हैं तो आपको फॉर्म जो भरना होगा वो भरना होगा 22 दिसंबर को। फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा और एप्लीकेशन भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर से आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकती हैं। लास्ट डेट है 11 जनवरी। इस बार थोड़ा सा सिस्टम अलग कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि जनवरी में फॉर्म आता था और जनवरी के 1st 2nd जनवरी तक फॉर्म आ जाता था और जनवरी लास्ट तक फॉर्म क्लोज होता है, हो जाता था। लेकिन इस बार फौज ने थोड़ा सा प्रोसेस बदल दिया है। यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी 22 दिसंबर को एनडीए का फॉर्म रिलीज करेगी जिसका लास्ट डेट होगा 11 जनवरी। एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है वो एग्जाम से 15 दिन पहले आता है। एग्जाम इस बार 10 अप्रैल 2022 को शेड्यूल है, जिस दिन एनडीए एंड सीडीएस दोनों के एग्जाम्स होंगे। जी हाँ, एनडीए और सीडीएस ने दोनों ने अपना एग्जाम कॉमन डेट पे कर दिया है 2022 ऑनवर्ड्स। तो 10 अप्रैल को इम्तिहान है एनडीए का, एनडीए फर्स्ट, जिसका एडमिट कार्ड लगभग 25 से 30 मार्च के बीच में आ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आमतौर पे 90 से 120 दिन लेता है, बट आजकल टाइम सेव्ड इस मनी अर्नड वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सही बैठती है। तो जितना टाइम बचाते हैं यूपीएससी उतना तेज प्रोसेस हो जाता है, इसलिए अब रिजल्ट फ्लैट 100 डेज में आएगा, यानी कि रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड समवेयर अराउंड मंथ ऑफ जून। एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19 एनडीए की ज्वाइनिंग एज है और फॉर्म भरने की उम्र है 15.5 से 18। तो डेट ऑफ बर्थ होगी 1st January 2007, लास्ट डेट होगी, और एंट्री डेट होगी 2nd January 2004, यानी कि 2 जनवरी 2004 से लेके 1st जनवरी 2007 तक एस्पिरेंट्स आप अपना ये फॉर्म एनडीए का भर सकते हैं। अनमैरिड मेल्स, अनमैरिड फीमेल्स भरेंगी। आप लोगों को अगर एनडीए टारगेट करना है गर्ल्स डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ मैरिज अभी नहीं सोचिएगा। मैरिज शुडंट बी इन द एजेंडा राइट नाउ। एप्लीकेशन एनडीए की फीस की अगर बात करें तो एनडीए का फॉर्म जो होता है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये लगता है, बाकी सब के लिए एससी एसटी या अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए फॉर्म वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट।
एप्लीकेशन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको www.upsc.gov.in पे जाके ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद स्टेप वन आप रजिस्ट्रेशन आईडी करेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आप अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करेंगे, फॉर्म में फोटो अपलोड करेंगे एंड सारी डिक्लेरेशन साइन करके उसका फॉर्म फिल अप कर देंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जैसे ही फॉर्म आएगा, इस बार आपको हम एक डेमो भी दे देंगे कैसे फॉर्म भरना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत बड़ा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस अपॉर्चुनिटी का आप सबको फायदा उठाना चाहिए। इसका जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, आपको 10 अप्रैल को पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आपको SSB इंटरव्यूज से गुजरना होगा। SSB इंटरव्यूज फौज में कमीशन्ड एंट्री में फेस करने के लिए, कमीशन्ड एंट्री में जाने के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, जिसको बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जैसे ही देंगे फिर आपका मेडिकल होगा। द प्रोसीजर इज सेम फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। हाउएवर अभी डिटेल्ड UPSC ने फॉर्म नहीं निकाला है। जैसे ही डिटेल्ड फॉर्म निकालेगा 22 दिसंबर को, हम आपको पूरा का पूरा एक स्नैपशॉट दे देंगे कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। वैसे मैंने आपको बता दिया है 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप सबको बता सकें कि 2004 से 2007 ऑनवर्ड्स NDA 1/2022 में आप फॉर्म भर सकेंगे। बट फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि UPSC को ये नोटिफिकेशन जारी करने में थोड़ा सा समय है। 22 दिसंबर को जब ये UPSC नोटिफिकेशन जारी करेगा तो हम आपको पूरी पोजिशन, सही पोजिशन में होंगे आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने के लिए। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। मैथ्स में आएंगे 120 क्वेश्चंस 2.5 घंटे का। दूसरा पेपर 2.5 घंटे का होगा जनरल एबिलिटी का, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल 900 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स के मैथ्स और 600 का जनरल एबिलिटी। तो पहला पेपर 900, इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होगा। मेडिकल में किसी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं होता। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप तक एक मैसेज पहुंचे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अब अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बैच लाया है। ये जो बैच है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स। इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने 2003 में जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, तब ये विजन देखा था दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वुड स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर एंड सर्व द नेशन। आज वो समय पूरा आ गया है। लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं कर्नल पंकज सर। अभी हाल ही में NDA 147th कोर्स के लिए रौनित सिंह का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। आप अगर रौनित के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल चैनल्स पे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रौनित के बारे में पढ़ सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जब रौनित कर सकता है, जब अंजलि कर सकती है, जब यश कर सकता है, जब 564 बच्चे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर आर्म्ड फोर्सेज। ये पहला गर्ल्स बैच होगा NDA 1/2022। फायदा उठाइए इसका। थैंक यू। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।